यकीनन इस वक्त सारी कौम की निगाहें मोहम्मद अली सतपारा की राहें तक रही हैं और उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआएं कर रही हैं और किसी मौजजे की मंतजर हैं। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा ने अपने बाप की वापसी की उम्मीदें तोड़ दी हैं और उनका कहना था कि उनके वालिद के जिंदा बचने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। लेकिन एक मशहूर मकोला है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। माहिरीन का कहना है कि मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम का किसी गहरी बर्फानी शगाफ में गिरने का खतरा मौजूद है। मौसम गर्मा में जब तपती सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं तो बर्फ में गहरे शगाफ पड़ जाते हैं, जो कि मौसम सरमा में बर्फबारी से ढक जाते हैं। अगर कोह पैमा गलती से भी इन बर्फ पर पांव रखे तो वो गहरे शगाफ में गिर जाते हैं, जो कि 200 से 300 फुट तक होते हैं, जिनमें अगर कोई गिर जाए तो बचना महाल है। लेकिन अगर कुदरत चाहे तो कोई चीज नामुमकिन नहीं। केटू जहां बुलंद चोटियों को सर करने वाले कोह पैमाओं के दिलों में एडवेंचर के जज्बात जगाती है, वहीं ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। यकीन करना मुश्किल है। आइए कुछ आदाद शुमार पर निगाह दौड़ाते हैं। केटू को सर करने वाले कोह पैमाओं में हर चार में से एक की मौत वाक़े हो जाती है। केटू पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट पर यही शरह सिर्फ 4% है। केटू की बुलंदी 8611 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट सिर्फ 200 मीटर बुलंद है। लेकिन मौसम सरमा में यहाँ हालात जानलेवा हो जाते हैं। इतलात के मुताबिक मोहम्मद अली सतपारा डेथ जोन में दाखिल हो चुके थे, लेकिन हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर डेथ जोन है क्या और यहाँ एक कोह पैमा कितने दिन तक जिंदा रह सकता है और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात होते हैं। सतह समंदर से 8300 मीटर की बुलंदी पर वाके केटू का बोटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है और साजिद सतपारा भी इसी मकाम से वापस लौटे थे। डेथ जोन में कोह पैमाओं को मौसमी चैलेंजेस के साथ साथ अपने जिस्म में एक लड़ाई लड़ना पड़ती है और कम ऑक्सीजन के बायस कोह पैमाओं की हालत काबू से बाहर हो जाती है और वो अपने जिस्म पर कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और इंतहाई कम दर्जे हरारत के बायस कोह पैमाओं को फालिज का खतरा भी रहता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार तेजी से कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एक कोह पैमा डेथ जोन में ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे जिंदा रह सकता है। इसका सादा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। लेकिन डेथ जोन में ज्यादा से ज्यादा वक़्त गुजारने का रिकॉर्ड भी नेपाली कोह पैमा पेम्बा ग्यालजी के पास है, जो सन 2008 में दो कोह पैमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक केटू के डेथ जोन में रहे। केटू जैसे कातिल पहाड़ को सदियों में फतह करने वाले सपूत मोहम्मद अली सतपारा आइसलैंड के जॉन सिनारी और चिली के हुआन पाब्लो का जुम्मे के रोज से कैंप से राब्ता मुनक़ता हुआ है और अब सिर्फ दुआओं और किसी मौजज़े के मुंतजर हैं। अगरचे जिंदा बचने के इम्कानात कम हैं, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है। नाजरीन, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।